दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटरनेट के अंदर मौजूद वेब पेज के बारे में। दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इंटरनेट में वेब पेज क्या होती है, ये कितने टाइप के होते हैं। दोस्तों अगर आप कंप्लीट जानकारी चाहते हैं तो आपको मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहना जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यादव पांडे, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट विद नॉलेज ऑनलाइन क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए आज के यहाँ क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं वेब पेज क्या होती है, इंटरनेट के अंदर जो वेब पेज होती है वो क्या होती है। दोस्तों आप लोग अपने मोबाइल में यूज़ करते हैं इंटरनेट का, तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा क्रोम ब्राउज़र होगा, या फिर आप लोगों ने मोजिला फायरफॉक्स देखा होगा, या फिर आप लोग डेस्कटॉप का यूज़ करते हैं या फिर लैपटॉप का यूज़ करते हैं, तो उसमें देखा होगा इंटरनेट एक्सप्लोरर। ये सब क्या है, ब्राउज़र है, इसी के थ्रू हम वेब पेज को ओपन कर लेते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले जान लेते हैं वेब पेज क्या होती है। दोस्तों जो वेब पेज होती है, वेब पेज क्या होती है, ये सर्वर में लोड होती है। आप लोगों ने देखा होगा जब भी कोई ब्राउजर के थ्रू आप किसी भी चीज को सर्च कर लेते हैं तो वहां पर आपको क्या मिलता है, उस वेबसाइट के अंदर जाओगे या आप उस ब्राउजर में वेबसाइट डालोगे तो उसके अंदर बहुत सारे वेब पेज मिल जाएंगे। तो आप जब उस वेबसाइट को ओपन कर लोगे तो वहां पर आपको वेब पेज देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों जो कहने का मतलब यह है कि जो वेब पेज होती है वो कहां पर स्टोर रहती है, वेब सर्वर में, ठीक है, कहां पर स्टोर रहती है, वेब पेज वेब सर्वर में। और दोस्तों जो वेब पेज है वो तो वेब सर्वर में स्टोर रहती है, लेकिन हम इसे इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। अब हमको इंटरनेट के थ्रू वेब पेज को, उस वेब पेज को वेब सर्वर से एक्सेस करना है तो किस चीज की जरूरत पड़ेगी, ब्राउजर की। आप ब्राउजर के थ्रू आप उस वेब पेज को, ठीक है, वेब सर्वर से एक्सेस कर सकते हैं। और जो ब्राउजर होती है वो क्या क्या होती है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा पहले ही मैंने बताया, क्रोम हो गया, ठीक है, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, ये सब क्या है, ब्राउजर है। इसी के थ्रू हम किसी भी इंटरनेट में उपस्थित, ठीक है, इंटरनेट में उपस्थित वेब सर्वर से हम वेब पेज को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं ब्राउजर का यूज करते हुए, ठीक है। तो दोस्तों अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वेब पेज क्या होती है। चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं वेब पेज के टाइप के बारे में। दोस्तों जो वेब पेज होती है वो मुख्य रूप से दो टाइप्स के होते हैं, वेब पेज मुख्य रूप से दो टाइप्स के होते हैं। पहला तो होता है स्टैटिक वेब पेज, और सेकंड होती है दोस्तों डायनेमिक वेब पेज, डायनेमिक वेब पेज। इस प्रकार से इंटरनेट के अंदर जो वेब सर्वर में वेब पेज मौजूद होता है वो मुख्य रूप से दो तरह की होती है, पहला स्टैटिक वेब पेज और सेकंड होता है डायनेमिक वेब पेज, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टैटिक वेब पेज के बारे में। स्टैटिक वेब पेज क्या होता है, जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता है स्टैटिक का मतलब क्या होता है, स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर, स्टैटिक का मतलब क्या होता है, स्थिर। तो ऐसा वेब पेज जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, ऐसा वेब पेज जिसे हम चेंज नहीं कर सकते, उसे मॉडिफाई नहीं कर सकते, वो किस वेब पेज के अंतर्गत आती है, स्टैटिक वेब पेज के अंतर्गत आती है, ठीक है। ऐसा वेब पेज जिसे हम मॉडिफाई नहीं कर सकते या उसे हम चेंज नहीं कर सकते, वो किस वेब पेज के अंतर्गत आती है, स्टैटिक वेब पेज के अंतर्गत आती है, इसमें मॉडिफाई नहीं किया जाता, ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरह की जो वेब पेज है, इस तरह की जो वेब पेज को बनाया जाता है तो उसमें किस प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज किया जाता है, दोस्तों इसमें इस तरह की वेब पेज, स्टैटिक वेब पेज को बनाने के लिए HTML, जिसका पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसका यूज करते हुए, ठीक है, HTML क्या है, HTML का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, एक किस टाइप का लैंग्वेज है, एक मार्कअप लैंग्वेज है, इसका यूज करते हुए हम किसी भी प्रकार की स्टैटिक वेब पेज को बना सकते हैं, ठीक है, राइट, आप लोगों को समझ में आ गया। स्टैटिक वेब पेज क्या होती है, ऐसा वेब पेज जिसे हम चेंज नहीं कर सकते, बाद में इसे किसी भी प्रकार की चेंजेस नहीं किया जा सकता या इसे हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, तो इस प्रकार की जो वेब पेज होती है वो स्टैटिक वेब पेज कहलाती है, ठीक है।
और इसको बनाने के लिए हम HTML का यूज करते हैं, जिसका पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं डायनेमिक वेब पेज। सेकंड क्या है? डायनेमिक वेब पेज। अब डायनेमिक वेब पेज क्या होती है? डायनेमिक का मतलब क्या होता है दोस्तों? डायनेमिक का मतलब होता है गतिशील। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा डायनेमिक का जो हिंदी अर्थ होता है वो है गतिशील। तो दोस्तों इससे आपको पता चल रहा होगा कि ऐसा वेब पेज जिसे हम मॉडिफाई कर सकते हैं या जिसे हम चेंज कर सकते हैं वो किसके अंतर्गत आती है? डायनेमिक वेब पेज के अंतर्गत आती है। ठीक है, इसे क्या किया जाता है? मॉडिफाई कर सकते हैं, मॉडिफाई किया जाता है, किया जा सकता है। ठीक है, इसको याद रखना। ठीक है, और इसको जो स्टैटिक वेब पेज है इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, डायनामिक वेब पेज को मॉडिफाई हाँ कर सकते हैं, उसे चेंज किया जा सकता है, किया जा सकता है। ठीक है, और इसका जो हिंदी नाम है डायनामिक वेब पेज, मतलब डायनामिक का मतलब होता है गतिशील और स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं ये डायनामिक वेब पेज मुख्य रूप से दो तरह के होते हैं, इसका भी टाइप है, डायनेमिक वेब पेज का भी टाइप है। अब वो कौन कौन से टाइप है? पहला है सर्वर साइड, सर्वर साइड डायनेमिक वेब पेज, डायनेमिक वेब पेज। पहला क्या है? सर्वर साइड डायनेमिक वेब पेज। और सेकंड है क्लाइंट साइड डायनेमिक वेब पेज, डायनेमिक वेब पेज। तो जो डायनेमिक वेब पेज होती है वो मुख्य रूप से दो तरह की होती है, पहला है सर्वर साइड डायनेमिक वेब पेज और सेकंड है क्लाइंट साइड डायनेमिक वेब पेज। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह की जो वेब पेज है, डायनेमिक वेब पेज को बनाने के लिए मुख्य रूप से स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का यूज किया जाता है। ठीक है, जो डायनेमिक वेब पेज है उसको बनाने के लिए हम मुख्य रूप से स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं। तो दोस्तों अब आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होती है। जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह ही होती है, लेकिन जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में है उसमें हम किसी भी प्रोग्राम को बनाते हैं तो उसमें स्क्रिप्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का यूज करते हुए हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें हमको क्या मिलता है? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की जो फैसिलिटी होती है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की जो फैसिलिटी होती है उस टाइप की फैसिलिटी हमको प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, तो सर्वर साइड डायनेमिक वेब पेज और क्लाइंट साइड डायनेमिक वेब पेज में, जो सर्वर साइड डायनेमिक वेब पेज है तो दोस्तों जो सर्वर साइड डायनेमिक वेब पेज है वो वेब सर्वर के अंदर उपस्थित होता है, जिसको हम इंटरनेट से उस प्रकार के वेब पेज को एक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह की सर्वर साइड डायनेमिक वेब पेज बनाने के लिए हमको स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों इसमें स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या क्या होती है, जैसे कि दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा पाइथन हो गया, PHP हो गया, पर्ल हो गया, ये सब क्या है? एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ठीक है, पाइथन, PHP, पर्ल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, इसका यूज करते हुए हम सर्वर साइड डायनेमिक वेब पेज बना सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों सेकंड है क्लाइंट साइड डायनेमिक वेब पेज। ठीक है, जैसे कि मैंने यहां पर पहले ही बताया इस तरह की वेब पेज को बनाने के लिए हमको स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है। तो क्लाइंट साइड डायनेमिक वेब पेज, जिसमें देखिए दोस्तों सर्वर साइड डायनेमिक वेब पेज को हमको एक्सेस करना है तो हमको वेब ब्राउजर की जरूरत पड़ती है, और मैंने पहले ही बताया है कि वेब ब्राउजर के अंतर्गत क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? वेब ब्राउजर के अंतर्गत आते हैं, और हम इसे इंटरनेट से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, सर्वर साइड डायनेमिक वेब पेज को हम इंटरनेट से ब्राउजर का यूज करते हुए एक्सेस कर सकते हैं, और इसको बनाने के लिए हमको स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है, और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के अंतर्गत PHP, पर्ल, पाइथन ये सब कुछ आते हैं। ठीक है, सेकंड है दोस्तों क्लाइंट साइड डायनेमिक वेब पेज। दोस्तों ये जो क्लाइंट होता है उस साइड इस तरह की वेब पेज को बनाया जाता है, क्लाइंट मतलब यूजर। ठीक है, यूजर साइड जो वेब पेज बनाया जाता है वो किसके अंतर्गत आता है? क्लाइंट साइड
डायनेमिक वेब पेज के अंतर्गत आता है। दोस्तों इसमें भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का यूज किया जाता है। इस तरह की जो वेब पेज बनाने हैं या क्लाइंट साइड डायनेमिक वेब पेज बनाना है तो इसमें भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का यूज किया जाता है। लेकिन दोस्तों इसमें स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के अंतर्गत कौन से लैंग्वेज का यूज किया जाता है? जावा स्क्रिप्ट का यूज किया जाता है। जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज का यूज करते हुए हम क्लाइंट साइड डायनेमिक वेब पेज बना सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया वेब पेज क्या होती है, ठीक है, वेब पेज कितने टाइप के होते हैं, और यहां पर मैंने वेब पेज के टाइप को भी बताया, और साथ ही साथ यहां मैंने स्टैटिक वेब पेज क्या होती है और डायनेमिक वेब पेज क्या होती है, और जो डायनेमिक वेब पेज है उसके अंतर्गत कौन कौन से वेब पेज आते हैं उसके बारे में भी मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को क्लियर जानकारी दिया। दोस्तों उम्मीद करता हूं यह वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आ गया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को फ्रेंड सर्कल के अंदर शेयर करना भी मत भूलिए, और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज आप मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट विद नॉलेज ऑनलाइन क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करिए, और साथ ही साथ अगर कुछ कमेंट है, ठीक है, इस वीडियो में कोई आपके माइंड में डाउट चल रही है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल बस इतना ही, कल फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।